आज का ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत रेलिवेंट है सबके लिए क्योंकि आज हम मिल करके इस टॉपिक की डेप्थ में जाने वाले हैं कि वॉट इज द रियल मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस मेरे पिछले दो पॉडकास्ट जो अपलोड हुए हैं उसमें मैंने देखा कमेंट सेक्शन में कि बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है कि अगर वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो कैसे आए तो अगर आप एक एक्सपर्ट हैं किसी भी फील्ड में तो आप हमको एक ईमेल भेज सकते हैं इन्फो एट पर तो हमारी टीम उस ईमेल को देखेगी वो समझेगी कि आपका क्या बैकग्राउंड है क्या क्वालिफिकेशन है क्या एक्सपर्टीज है और आपका क्या एक्सपीरियंस है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या ऐसा टॉपिक यहाँ पर कवर कर सकते हैं मिल करके जिससे कि जो व्यूअर्स हैं उनका कुछ बेनिफिट हो सके तो इससे पहले कि हम अपनी इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करें इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे हेलो एवरी आई एम डॉक्टर पुनीत रेहानी थे बाई प्रोफेशन So after completing my bachelor of physiotherapy, which is around about four and a half years of course, I did my masters in neurological disorders, uh, which you know we learned about a lot of how to treat spinal cord cases, how to treat paralysis cases, you know. Then I treated a lot of Bollywood celebrities. I treated a lot of uh, uh, you know sports people like Indian cricket team members also I treated, and then I worked under German orthopedic surgeon where I learned about lots of sports, lots of how to.

या फिटनेस कुछ और ही है जो ज़्यादातर लोग उस डायरेक्शन में सोचते नहीं हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी हमको देख रहा है और वो अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है कहीं कोई जिम ज्वाइन करने वाला है या घर पे ही कोई अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाला है तो उसको अगर हमको डिफाइन करना हो फिज़िकल फिटनेस का एक्चुअल में मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ का एक्चुअल में मतलब क्या है कि सिर्फ बाहर से अपियरेंस ही है उसका मतलब या और भी कुछ है जो ज़्यादातर लोग जिस तरह से नहीं देखते हैं तो अगर उसको हमको डिफाइन करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे सो so, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इट्स अ वेरी बिग मिथ कि फिजिकल uh, फिटनेस को क्वान्टिफाई करते हैं लोग ऐप से बाइसेप्स से यू नो चेस्ट बर्ज आउट से या जिम से राइट आई अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो बट दिस इज एट द एंड और कैन वी कॉल इट के इट इज लेवल इट्स ऑन द सुपरफिशियल क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बाहर से फिट लग रहा है देखने में वो अंदर से भी फिट वो फील कर रहा है फिट या फिर दोनों में बड़ा डिफरेंस है एंड ट्रस्ट में मैंने बहुत सारे जिम क्लाइंट्स देखे हैं जो जिम ऑलरेडी कर रहे हैं इवन फिजिकल ट्रेनर्स भी जैसे मैंने मैंशन किया कि बॉलीवुड स्टार्स को भी देखा है मैंने जिसमें वो दे आर मतलब गुड एब गुड बॉडी बट एक्चुअली

So, उसके बारे में आपका क्या टेक है कि लोग किस तरह से समझते हैं और एक्चुअल में रियलिटी क्या example, है सो सो आई ट्राई टू इन वेरी वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी अगर हम एक फॉर एग्जाम्पल है लाइक टेबल को अगर यू you नो know, बेस हम बात करें जो फोर पिलर्स हैं बेसिकली टेबल के mm -hmm. तो फिटनेस को मैं कहना चाहूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड प्रायोरिटी सस्टेनेबिलिटी थर्ड कम्स स्ट्रेचिंग द फोर्थ कम स्ट्रेंथ सो बेसिकली हमने उसको जैसे है, है अभी देखा जाए तो जो normal जो thought process है लोगों की, ये ज़्यादातर तो लोग जिस तरह से फिटनेस को देखते हैं, क्योंकि yes. तो आप ये कह रहे हैं कि last में आता है, है yes. जबकि लोगों के लिए फिटनेस का मतलब सबसे पहले, पहले, पहले strength, strength है हां जी. सेफ्टी तो कहीं पर आता ही नहीं है कहीं पीछे होता है वो तो जब कोई इंजरी हो जाती है या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद वो थॉट माइंड में आना शुरू yes, होता है लेकिन yes, तब तक तो yes. बहुत देर हो जाती है तब तक तो बहुत देर तो हो तो आपने जाती क्या, क्या किया सबसे पहले रखा है सेफ्टी को। सेफ्टी को एज अ फिजियोथेरापिस्ट मेरे पास लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स आते हैं जो कि जिम कर रहे थे एंड आफ्टर दैट सडनली इंजर हैपन सो आई यूज टू फर्स्ट ऑफ ऑल असेस हिम या मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे हाउ दिस पेन स्टार्टेड या इंजरी कैसे हुई तो कहते हैं कि हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे एंड हमें पॉश्चर मारे में तो पता ही नहीं था बट जो ट्रेनर ने बता दिया हम उसी में पुश कर रहे थे अपने आप को इनफैक्ट कई बार पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम थी ऑलरेडी लेकिन हमने फिजिकल ट्रेनर को बताई नहीं सो so, जिसकी वजह से भी मुझे इंजरी हो गई सो यू नो दिस इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो कि सबसे पहले सेफ्टी के अंदर आता है सेल्फ एनालिसिस वी शुड नो कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है वी शुड नो द नॉलेज ऑफ पॉस्चर्स कि हमें किस पॉस्चर में कौन सी एक्सरसाइज करनी है लाइक like, जौन सी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि कहीं हम हमारे को डैमेज तो नहीं कर रही कहीं किसी बॉडी पार्ट को डैमेज तो नहीं कर रही राइट right? मेरे को पहले ऑलरेडी इंजरी है अगर मैं उस एक्सरसाइज को करती चली जाऊँ या करता चला जाऊँ तो गलत पोस्चर वो भी गलत पॉस्चर में तो वो डैमेज कर सकती है हमारी बॉडी को सो आफ्टर दैट वी हैव टू नो वी शुड नो रिकवरी सो जैसे हमने एक्सरसाइज करी फॉर एग्जाम्पल हमने फाइव डेज ऑफ वीक एक्सरसाइज करी सो हमें बॉडी को रिकवरी टाइम भी देना चाहिए हमें बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए अगर हम वो रिकवरी टाइम नहीं देते हैं तो वी आर प्रोन टू इंजरी फिर चाहे आप कितनी लेवल की एक्सरसाइज करते चले जाओ चाहे आप इंटेंसिटी हाई करते जाओ डेफिनेटली वी गो प्रोन टू तो इंजरी सो so, वो हमें बहुत ध्यान रखना है मतलब वॉट ये कि मसल्स को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक तरह से टीयर कर रहे हैं टीयर बेसिकली तो उसको रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए टाइम चाहिए और अगर हम वो टाइम नहीं दे रहे हैं या बीच में जितना टाइम देना चाहिए मतलब मिनिमम दो से तीन दिन का अगर हम वो नहीं दे रहे हैं मिनिमम टू डेज तो देना ही चाहिए तो अगर हम उतना टाइम नहीं दे रहे हैं एक मसल को रिकवर होने के लिए तो वी आर प्रोन टू

हमें hmm. ये नहीं कि यू नो सेवन डेज और टू टू आवर्स एक्सरसाइज करें दैट्स नॉट रिक्वायर सो अगर हम आइडली बात करें कि कितना होना चाहिए सो so, आइडली मैं कहूँगा थर्टी मिनट्स टू वन आवर फॉर फाइव डेज अ वीक दैट्स द एक्चुअल मतलब जो रिसर्च भी प्रूव करती हैं दैट्स द एक्चुअल टाइम कि हमें इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए फॉर द बिगनर एंड इंटरमीडिएट मैं एक बार इस सेफ्टी वाला जो पॉइंट आप टच कर रहे हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं ज़्यादातर लोग ये yes. और हमने इंटरनेट पे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं कि कोई उल्टी सीधी एक्सरसाइज कर रहा है करते करते एकदम से वो बेहोश हो गया बेहोश हो गया ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर डेथ तक हो गई डेथ तक हो तो गई तो अगर आपकी डेथ ही हो जाती है तो फिर ऐसी एक्सरसाइज का क्या फायदा फायदा किसके लिए बॉडी बना रहे हो इवन आपने ये भी देखा होगा जो बहुत हैवी वेट उठाते हैं वो वॉमिटिंग कर देते हैं

क्योंकि अच्छा सस्टेनेबिलिटी आती है अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो अगर आप वर्कआउट को एंजॉय नहीं कर रहे हो देन डेफिनेटली आप सस्टेन नहीं कर पाओगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आप लाना चाहते हो वो नहीं आएंगे लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक बहुत मोटा पर्सन है वो वेट लूज़ करना चाहता है उसे यू you नो know, आपकी वीडियो देख के मोटिवेशन आया कि चलो वेट लूज़ करते हैं hmm. उसने कुछ टाइम तक तो किया बट उसके उसको लगा कि हाँ चलो रिज़ल्ट आ रहा है बट उसकी वो मोटिवेशन कम हो गई ख़त्म हो गई एंड आफ्टर दैट ही स्टॉप्ड कम्प्लीटली स्टॉप राइट तो नेचुरली जो रिज़ल्ट पहुंचना था वो उस रिजल्ट पे वो नहीं पहुंच पाएगा अच्छा उसके बाद क्या हुआ जैसे इनिशियली क्या होता है हमारी बॉडी में जब हम बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं मसल बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं और एकदम से छोड़ देते हैं तो बॉडी रियक्स है ने अ नेगेटिव वे कि कुछ आपने बॉडी का चेंजेस करने की कोशिश करी बट उसके बाद एकदम से होगा you know, uh, तो होगा और बुरी हो हो जो पहले situation गया। so, आपने कई कई बार देखा भी बट अच्छा <h movies> जैसे वो छोड़ देते हैं तो सारा फैट लटक जाता है मतलब hmm. आप कह रहे हो कि चाहे कुछ भी हो रेगुलर रहना है चाहे कम करो किसी दिन टाइम नहीं है तो पूरा अपना वर्कआउट कर देंगे इट्स बेटर yes. आप hmm. आप, you know, right. आप आपके कई आ, उसमें वेब, पीछे जो वेबिनार हुए हैं कॉटन वेब में आपने बात की थी ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको एक फील गुड फैक्टर देते हैं आई थिंक इसको कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता जो बात आप कह रहे हो फिजिकल अपियरेंस के लिए वर्कआउट करना कैन बी क्वेश्चन यस क्योंकि वो बाहर से दिखाने वाली चीज़ हो गई बट वॉट सेइंग एज पहला आपने बोला सेफ्टी दूसरा आपने कहा सस्टेनेबिलिटी कि भाई ये नहीं कि हम गए बड़े एक्साइटमेंट के साथ में जिम में या कहीं पर भी अपना कोई वर्कआउट शुरू किया जैसे आई थिंक नाइन्टी परसेंट लोगों के साथ में होता भी होता है यस ट्रू yes, और मेरे ख्याल में जो जिम एक्चुअल में प्रॉफिट कमाता है वो नाइन्टी परसेंट लोगों से ही कमाता है जो रेगुलर आते हैं तो बहुत ही कम लोग होते कम लग हैं कम लोग होते हैं कि आए बड़े एक्साइटमेंट के साथ में पैसे दिए उसके बाद में दस दिन तक पंद्रह दिन तक तो पागलों की तरह एक्सरसाइज करी उसके बाद में छोड़ दिया तो वॉट यंग इज इससे बेटर ये है कि धीरे धीरे आगे बढ़ो टेक बेबी स्टेप्स यस सो अब हमने बात करी सेफ्टी की सस्टेनेबिलिटी की ना हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग की बिफोर स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग इज इम्पोर्टेंट वाई बिकॉज क्या होता है हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है मेजरली हम वर्क करते हैं सिटिंग में मेजरली इवन जो वाइट कॉलेज ऑफ पीपल हैं जो एम एन सीज में हैं सो मेजरली वो सिटिंग वर्क ज्यादा है हमारा एज कम्पेयर टू स्टैंडिंग और वॉकिंग बट हमारी बॉडी बनी है वॉकिंग के लिए अब सिटिंग से प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी बॉडी स्टिफ होती चली जाती है लाइक like मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ राइट नाउ वी आर सिटिंग राइट अब जो मैं नी ज्वाइंट है वो नी ज्वाइंट नाइन्टी डिग्री बेंड है इस वक्त बट एक्चुअली में नी ज्वाइंट की जो रेंज है वो वन थर्टी टू वन थर्टी फाइव डिग्री है बट हम उसे यूज़ ही नहीं करते हैं पहले क्या होता था हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दे यूज़ हिंदी टॉयलेट सो उसमें या दे सिट फॉर लॉन्ग इन अ क्रॉस लेग सिटिंग पॉस्चर उसमें नी नी जॉइंट का जो रेंज है वो हंड्रेड परसेंट यूज होता था बट mm. अब वो नहीं है mm. और इसकी वजह से क्या होता है हमारी जो नी की जो रेंज है हम नाइनटी डिग्री तो यूज कर रहे हैं बट नाइनटी से वन थर्टी फाइव डिग्री तक की रेंज है वो हम यूज ही नहीं कर रहे mm. तो अगर इस कम रेंज के साथ हम एक्सरसाइज करने जाएंगे तो अगेन वी प्रोन टू इंजरी दैट्स वाई फ्लेक्सीबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेचिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट तो वॉट यज फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी एक्सरसाइज से पहले भी और बाद में भी आईडली और ये भी मैंने देखा है बहुत कम लोग करते हैं बहुत कम लोग इवन जिम में जो जाते हैं बहुत कम करते हैं <laughs> मतलब आपके हिसाब से क्या रूटीन होना चाहिए कि अगर कोई मानो आ, एक घंटा एक्सरसाइज कर रहा है जिम में एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि वही डंबल उठा रहा है अपना रॉड पे बेंच प्रेस वगैरह कर रहा है और वो सब कर रहा है तो उसमें कितनी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए पहले और बाद में कितने कितने yeah. मिनट होनी so चाहिए पहले मैं थोड़ा सा टाइप बताता हूँ स्ट्रेचिंग सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वन इज स्टैटिक वन इज डायनेमिक स्टैटिक में भी दो टाइप होते हैं विच इज एक्टिव एंड पैसिव राइट सो एक्टिव मीन्स मैं खुद कर रहा हूँ स्ट्रेचिंग hmm. मुझे पता है कि मुझे कौन सी मसल को कैसे स्ट्रेच करना है पैसे मीन्स आपका कोई अदर बंदा स्ट्रेचिंग रहा कर रहा कोई और कर रहा है लाइक जिम ट्रेनर कर रहा है या फिर सर्विस कर रहा है स्टैटिंग स्ट्रेचिंग में ये होता है कि आप उस स्ट्रेच को होल्ड करते हो मिनिमम फॉर थर्टी सेकेंड्स राइट टू टू थ्री टाइम्स उसको होल्ड करते हो डायनेमिक स्ट्रेचिंग में ये होता है आप उसको होल्ड नहीं करते हो आप जैसे मूवमेंट्स करते हो राइट hmm. right, उसको पर्ट्यूबेशंस देते हो बेसिकली एक मसल को स्ट्रेच करने के लिए अगर हम बात करें कि वर्कआउट uh, से पहले बिकॉज इट्स अ वार्म अप राइट सो वार्म फेस में हमें डायनेमिक स्ट्रेचिंग यूज करनी चाहिए बिकॉज वो क्या करती है वो मसल को एक्टिवेट करती है hmm. बट कूल डाउन फेज जो आता है सो जैसे वार्म अप फेज हो गया देन एक्सरसाइज टाइम देन कूल डाउन फेज कूल डाउन फेज में हमें स्टैटिक स्ट्रेच यूज करना चाहिए ओके okay. वो हमें हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है उसका ड्यूरेशन कितना कितना होना चाहिए सो टोटल इनिशियली कूल डाउन फेज 15 मिनट्स का और लास्ट में भी 15 मिनट्स का तो आप कह रहे हो 15 मिनट पहले एक स्ट्रेचिंग होनी चाहिए और पंद्रह मिनट बाद में होनी चाहिए अगर कोई एक घंटा वर्कआउट कर रहा है तो यस बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है नहीं मैंने बहुत कम लोगों को देखा है बहुत कम होता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप कह रहे हो कि अगर स्ट्रेचिंग प्रॉपर नहीं हुई तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है फ्लेक्सीबिलिटी नहीं, नहीं है उसके बाद में हम स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं जो नेक्स्ट स्टेप आप कह रहे हैं तो उसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है सेफ्टी तो पे कॉम्प्रोमाइज हो गया यस yes, क्योंकि uh, अगर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हम किसी भी जॉइंट की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो उस जॉइंट को हम पूरा एफिशिएंटली यूज ही नहीं कर पाएंगे एंड इफ यू आर नॉट एबल टू यूज इट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इंजर मतलब करेंगे और कोई और एक्सरसाइज उसका इफेक्ट कहीं और ही आएगा इफेक्ट कहीं और आएगा बिकॉज बॉडी क्या है बॉडी कम्पनसेट करती है चीज़ में में लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे में रेंज नहीं है या एल्बो में रेंज कम है हाँ. तो मैं कंपनसेट करूंगा तो या तो शोल्डर से या रिस्ट से सो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए लोगों को ये शोल्डर की प्रॉब्लम आ जाती है जो बहुत ही कॉमन है बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि यूज होना चाहिए ये वाला ज्वाइंट जबकि यूज हो रहा है ये वाला शोल्डर सारी एक्सरसाइज में तो हम कोई अगर मान लो चेस्ट की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तब भी सारा लोड शोल्डर के ऊपर आ रहा है बाइसेप्स कर रहे हैं तब भी शोल्डर के ऊपर आ रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो शोल्डर को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है रेस्ट ही नहीं मिल रहा है क्योंकि फिर हम चाहे बाइसेप्स करें चाहे ट्राइसेप्स करें चाहे कुछ भी करें शोल्डर तो रोज ही एक्टिवेटेड मतलब डेली उसके ऊपर काम हो रहा है जिसकी वजह से उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से वी आर एंड टी की वजह से वो इंजरी हो जाती है इंजरी हो जाती है तो ये स्ट्रेचिंग भी आपने बता दी दो तरह की होती है डायनेमिक एंड स्टार्टिंग डायनेमिक आप कह रहे हो स्टार्टिंग में बेटर है स्टार्टिक एंड में बेटर है स्टार्टिंग एंड में

इवन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी वी आर प्रोन टू इंजरी क्योंकि मसल्स को हम वर्कआउट uh, तो करवा रहे हैं बट प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं सो so, hmm. इसलिए ब्रीदिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम मेजरली मिस कर जाते हैं और ऐसे ही डाइट एंड न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको अभी हम टच नहीं कर रहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट अगर आप अभी इस कॉन्वर्सेशन को देख रहे हैं सुन रहे हैं और आप डाइट और न्यूट्रिशन में कोई एक्सपर्ट है तो आप हमको ई भेज सकते हैं आई वुड लव टू सेट विद यू एंड टॉक टू यू अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशन अभी तक हमने तीन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं safety, तो जो लोग पहले रखते हैं सो स्ट्रेंथ अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली स्ट्रेंथन है अगर हमारी मसल्स uh, में स्ट्रेंथ है तो हम अपने डेली एक्टिविटी को डेली रूटीन को बड़े आसानी से कर लेंगे इवन विदाउट पेन एंड इवन विदाउट फटीक बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ फिटनेस अगर आप कोई भी काम को विदाउट फटीक कम्प्लीट कर लेते हो ओवरऑल डे में ऑन दैट बेट इज ऑल्सो यू कैन से यू आर फिट अगर हम स्ट्रेंथ के बेनिफिट्स के बारे में बात करें सो द मेजर बेनिफिट जो मुझे लगता है आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर हटा देते हैं मसल्स अगर आपकी मसल्स स्ट्रांग हैं अगर आपकी मसल्स स्ट्रेंदन है तो ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर हट जाता है सारा जो आपका बॉडी वेट है वो एब्जॉर्व कर लेती है मसल्स आइडली जैसा होना चाहिए जैसा होना चाहिए hmm. इसमें right. एक वेरी पिक्युलर पॉइंट जो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका ओवर वेट है राइट right? अब वो कहते हैं कि हम डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर ने बोला वेट कम करो राइट right? बट मुझे तो पेन है मुझे तो नी में पेन है मुझे तो बैक में पेन है मैं वेट कैसे कम करूं? क्योंकि वेट कम करने के लिए मुझे एरोबिक्स करना पड़ेगा hmm. मुझे रनिंग करनी पड़ेगी मुझे जॉगिंग करनी पड़ेगी तो इसलिए हम उनको ये ट्रेन करते हैं कि आप वेट कम करो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट उसके साथ साथ अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते रहो ताकि जो जॉइंट पे लोड है वो कम हो जाए क्योंकि जैसे ही जॉइंट पे लोड कम होगा आपका पेन कम होता चला जाएगा देन यू विल बी मोर यू नो पुश योर बॉडी फॉर द वेट लॉस आप बेसिकली ये कह रहे हैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि अगर कोई पर्सन है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको डायरेक्टली ये नहीं कि वो गया जिम में या कहीं पर भी और भागना शुरू कर दिया जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं कि पार्क में भागे चले जा रहे हैं भागे चले जा रहे हैं घंटे तक या ट्रेडमिल पर भागे ही चले जा रहे हैं क्योंकि उससे क्या है कि जॉइंट पे लोड आएगा क्योंकि अभी उनकी मसल स्ट्रांग नहीं है तो सारा लोड आ जाएगा जॉइंट पे जॉइंट पे तो आइडियली उनको क्या करना चाहिए मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे कि पहले मसल स्ट्रांग हो फिर एरोबिक ट्रेनिंग जो है वो करनी चाहिए राइट या राइट। कोई भी जंपिंग वाली हो गई या ट्रेडमिल हो गई या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज हो गई जिससे कि डायरेक्टली जॉइंट्स पे लोड आने वाला है तो उसको बियर करने के लिए पहले मसल्स को स्ट्रांग करो

स्टैटिक uh, साइक्लिंग hmm. उसमें भी लोड बहुत कम आता बहुत है बहुत कम आता है ट्रेडमिल सबसे लास्ट में आता है बिकॉज ट्रेडमिल हाँ. पे बहुत ज्यादा लोड आता है इवन क्रॉस ट्रेनर इज गुड क्रॉस ट्रेनर इज ऑल्सो गुड राइट क्रॉस तो ये सब इक्विपमेंट्स uh, हैं जिन पे आपका लोड कम से कम आता है एंड स्टिल यू कैन लूज वेट सो अब हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ की तो अब स्ट्रेंथ yes. का एक्चुअल में मतलब क्या हुआ मतलब वॉट इज स्ट्रेंथ अगर, तो आपने बात करी बेनिफिट्स की कि स्ट्रेंथ के ये बेनिफिट्स होते हैं तो फिजिकली स्ट्रोंग होना हर कोई चाहता है लेकिन वॉट इज फिजिकल स्ट्रेंथ फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टेबल उठानी है एंड आई एम अ बिगनव मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया कोई कुछ नहीं किया अब जरूरी नहीं है कि मेरे मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ हो कि मैं इस टेबल को उठा सकूं, राइट right? मेरी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है फिर मैं कोशिश करूँगा तो मैं इन्जॉय करूँगा अपनी बॉडी पार्ट को इसलिए स्ट्रेंथ इज सो इंपॉर्टेंट कि मैं कोई भी काम कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वेट अपने नॉर्मल रूटीन में उठा सकूँ लिफ्ट कर सकूँ एंड oh. उसको ट्रेन करने के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है जैसे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऊपर से कुछ सामान उठाना है right? राइट uh, जैसे आजकल मैं भी कर रहा हूँ कि यू uh, नो you know, सर्दियों के कपड़े रखने हैं गर्मी के कपड़े निकालने हैं तो नेचुरली बहुत सारा सामान उठाना पड़ता है तो अगर मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है तो नेचुरली मैं कहाँ पर लोड डालूंगा सारा ज्वाइंट्स पर राइट right? तो इसलिए मसल्स की स्ट्रेंथ इज सो इंपॉर्टेंट कि ताकि मेरी बॉडी पे बिल्कुल भी वेट ना हो मुझे कोई इंजरी ना हो सारा एब्जॉर्ब मसल कर ले तो देखा जाए तो एक तरह का लूप है यस yes. जिसकी मसल स्ट्रांग नहीं है वो जितना वेट उठाएगा उसके जॉइंट्स पे और लोड आएगा yes. जितना लोड आएगा उसकी मसल्स उतनी ही वीक होती वीक चली क्योंकि मसल्स यूज नहीं हो रही तो मसल्स वीक हो जाएंगी उसका फिटनेस का लेवल गिरता ही चला जाएगा साथ साथ और दूसरी तरफ से जिसकी मसल्स एक्टिवेटेड है यानी कि मसल स्ट्रांग है जितना वो और वेट उठाएगा वो उसके लिए अच्छा है क्योंकि उसकी मसल्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी राइट right? इट्स kind of kind of yes. जितनी मसल स्ट्रॉंग है उतना वो और वेट उठाएगा जितना और उठाएगा उतना और स्ट्रांग होता चला जाएगा होता चला जाएगा तो वो लूप बनता चला जाएगा yes. और मैंने बहुत लोगों को दिखा है कि कई बार क्या होता है ज्यादातर जो इंजरी होती है वो कैसे होती है कि एकदम से गए कहीं पर कोई हल्का सा वेट उठाया

बट अगर आपके कोर मसल्स में कोर मसल्स स्ट्रांग हैं तो आपकी स्पाइन को बचा कर रखेंगे और अगर वो नहीं है तो नेचुरली वो स्लिप डिस्क इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द पेन और जो हम इतने आराम से बोलते रहे हैं स्लिप डिस्क बट उसकी वजह से किस लेवल का पेन होता है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो वही समझ सकता है जिसको कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम हो रही है। होता है कोई दूसरा आदमी तो समझ भी नहीं सकता यही समझ सकता अब इसमें बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन द बिगनेस लेवल सो मुझे लगता है पर्सन शुड नो कि वो कितना फिट है hmm. कैसे वो अपनी फिटनेस को आगे प्रोग्रेस करे सो so, कितना फिट है अब उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें वो खुद भी कर सकता है राइट right? जैसे सबसे पहले वो अपना मेजर कर सकता है बॉडी मास इंडेक्स विच इज बीएमआई बी एम आई राइट सो अगर पर्सन को पता है कि मैं आ, किस कैटेगरी में आता हूँ क्योंकि बी एम आई डिफाइन करता है वेदर यू आर अंडर वेट नॉर्मल ओवर वेट और ओबीस

हमें अपने पता हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या इस वक्त फिटनेस लेवल है hmm. और उसके हिसाब से हमें गोल्स बनाने चाहिए उसी के हिसाब से हमें एक लेवल बनाना चाहिए कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है गुड पॉइंट सो वॉट यूर इज लाइक इट्स वेरी डिफरेंट फ्राम द प्री कंसीव नोशन जैसे लोगों के ज़्यादातर होते हैं या जिस तरह के गोल्स होते हैं वो क्या होता है कि नॉर्मली हमने किसी को देखा कोई किसी का आइडल है मान लो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है या कोई हॉलीवुड सेलिब्रिटी है उसकी बॉडी को देखा और बोला मुझे ऐसी बॉडी चाहिए छः महीने के अंदर अंदर येस तो वो गलत हो गया तरीका ही पूरा का पूरा गलत हो गया क्योंकि yes. उसने खुद को नहीं मेजर किया right. उसने सामने वाले को देख करके जिसका जेनेटिक कोड उससे बिल्कुल अलग है जिसका डीएनए अलग है जिसकी बॉडी का कंपोजिशन उससे बिल्कुल अलग है और उसको देख करके हम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है अच्छा तो बेटर यह है कि पहले खुद के लेवल को एस्टिमेट करो Yes. पहले खुद के लेवल को समझो मे तो भी किसी एक्सपर्ट की आप हेल्प ले सकते yes. हो, समझने में कि अभी आपका एग्जैक्टली लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग अपना कोई फिटनेस गोल बनाओ कि मुझे अगले छह महीने में यहां पहुंचना है दैट मे नॉट बी इवन क्लोज टू जो आपका आइडल है जो भी आपके आप माइंड में एक आइडल स्टेट है बट एटलीस्ट आप इस वजह से सेफ रहोगे सस्टेन कर पाओगे और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाओगे बढ़ा पाओगे Hmm. तो अभी हमने बात करी सिर्फ एरोबिक की अगर हम स्ट्रेंथ के से बात करें कि क्या ऐसे टेस्ट टेस्ट हैं बहुत सिंपल है, जैसे पुशअप्स 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 फॉर आप मिनट में कितने सकते हो राइट right? तो hmm. इस बेसिसाई कर सकते हो. hmm. होते हैं जिनको हम क्रंचेस भी कहते हैं ना, hmm. के लिए, आप एक में कितने आफ्टर

मैं मैं इतने इतने पुशअप्स कर 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 पाता पाता hmm. पाता था 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 या या सिटअप्स इतनी इतनी देर तक पा पाता पाता मैं मैं इतनी देर तक प्लैंक को होल्ड अब पा रहा हूं। yes. तो शुड गिव मोटिवेशन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन कि मैं खुद के कंपैरिजन में एक बेटर वर्जन बन गया बेटर वर्जन बन गया hmm. और अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल अब मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता, अब हूं।, मैं इसको पे ले जा सकता yes. हूं अब मुझे यहाँ नेक्स्ट गोल है I uh, I know what are the risk factors, right? I know what are the safety measures. So now I can, you know, from that level I can reach up to that level. This topic is in fact very close to my heart because क्या हुआ था मैं भी school time में मैंने अपना gym join किया था when I was just around I think 15 years old. Okay. जहाँ पे मैं जाता था जिस gym में वहाँ पे मैंने देखा कि एक जो proper जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं पुशअप्स कर रहे हैं पीछे बैक पे वेट रख करके yes. तो वो बैक पे यहाँ पे वेट रखते थे मतलब अपर बैक पे वेट रखते थे और फिर एक्सरसाइज करते थे अब मुझे कोई बताने वाला तो था नहीं मैंने वहाँ पे किसी को भी बुलाया मैंने कहा मेरे को भी यही करना है मैंने वो पुशअप्स करे और अपनी बैक पे लोअर बैक पे वेट रख लिया right. और एक्सरसाइज करने लगे और बैक पूरी ऐसे कर्व थी कर्व थी और करता चला गया करता चला गया बॉडी तो बन गई बट उसकी वजह से बैक में मेरे प्रॉब्लम आ गई प्रॉब्लम जो कई साल तक रही थी यस तो आई पर्सनली वॉन्ट कि ये जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी ये किसी और को फेस ना करनी पड़े

मतलब इवन वेट भी लूज कर लिया टेन के जी फिफ्टीन के जी बट एट द एंड अब उसकी स्पाइन में मल्टीपल लेवल पर डिस्क बन जाए और स्लिप oh. डिस्क है सो नाओ शी इज फीलिंग वेरी बिग ट्रबल कि अब मैं नॉर्मल अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कैसे करूँ hmm. उस टाइम मोटिवेशन था उस टाइम गोल भी था बट नाओ अब वो लाइफ टाइम गोल बन गया कि अब लाइफ टाइम आपको अपने आप को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा अपनी कोर मसल्स को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा अपने आप को uh, थर्टी मिनट्स देने ही पड़ेंगे अदरवाइज यू लैंड अप इंटू अ सर्जरी और सर्जरी भी कोई पूरा फुल प्रूफ ऑप्शन प्रूफ ऑप्शन नहीं, नहीं है बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो सर्जरीज होती हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती नहीं है। होती दैट्स ट्रू सो दैट्स वाई यू नो टू माई पर्सनल थिंग सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी आप सेफ रहो देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट आपको पता है आपके बारे में यू you नो know, मेरा क्या लेवल है और मुझे किस लेवल तक पहुँचना है सो दैट्स वाई सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये बात आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है yes. तो ये बात मेरे को बोलने के बजाय अगर आप डायरेक्टली कैमरे में देख करके जो लोग अभी आपको देख रहे हैं yes. उनको आप बोलें एज एन हेल्थ एक्सपर्ट या सो एज अ हेल्थ एक्सपर्ट मेरा पर्सनली आपको एडवाइस है सबको यही एडवाइस है कि सेफ्टी इज द मोस्ट प्रायर थिंग क्योंकि सेफ्टी अगर आप अपने आप को मैंटेन रखते हो या सेफ्टी का ध्यान आप रखते हो तो आप इंजरी से प्रिवेंट हो सकते हो क्योंकि इंजरी होते ही मोटिवेशन लेवल अपने आप अप डाउन हो जाता है और जैसे ही मोटिवेशन लेवल डाउन हुआ आपका जो गोल है वो नेचुरली वो हट जाएगा आपके माइंड से फिर आपका साथ ध्यान चलेगा अब मैं इस पेन को कैसे कम करूँ सो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट एंड इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू मेरे याँ. को बहुत कुछ Same. सीखने को मिला आपसे आज यहाँ पर एंड आई एम श्योर जो लोग अभी हमको देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वो इस पॉइंट को याद रखेंगे और यहीं पे मैं इस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करूंगा दैट इज़ सेफ्टी सेफ्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम जी थैंक यू सो मच